आई नो, बहुत सारे डॉग्स लवर ऐसे होते हैं जो डॉग्स से प्यार करते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन भाई वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो एक्सपेंसिव डॉग्स को परचेज कर सके। बट भाई डॉग्स रखने का तो उनका ही मन होता है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कम से कम प्राइस में भी डॉग्स लेकर आऊँ। जैसे कि आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और जो कम प्राइस में एक अच्छा डॉग परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप लोगों के घर में डॉग्स है ना, तो आप लोगों के घर का माहौल टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई हर दिन वो आप लोगों के साथ खेलते रहते हैं, उनकी नोटी नोटी एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से आप लोग कभी भी बोर नहीं होते या कभी भी अकेलापन फील नहीं करते। और जब वो डॉग भी लैब्राडोर जैसी हो तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि लैब्राडोर तो भाई अलग ही होते हैं जिनका नेचर काफी फन लविंग एंड फ्रेंडली होता है। तो भाई अगर आप लोगों का मन है किसी डॉग ब्रीड को परचेज करने का ताकि आप लोगों के घर में खुशियां आए और आप लोगों का बजट थोड़ा टाइट है, तो डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आज आप लोगों के पास भी एक डॉग हो सकता है, क्योंकि आज के इन पपीज को परचेज करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस ब्रीड को परचेज करने के बाद भी आप लोगों का मंथली जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो काफी कम रहता है, क्योंकि भाई लैब्राडोर को आप लोग होममेड फूड पे रख सकते हैं, ये काफी आसानी से रह सकते हैं। एंड शायद आप में से 90% लोग तो लैब्राडोर के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो 10% लोग नहीं जानते उन्हें भी बता दूं कि लैब्राडोर एक बेहद ही अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड है। और आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हो ना, तो इससे बेटर डॉग ब्रीड आप लोगों को कोई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को डॉग्स ट्रेन करने नहीं आते ना, तो आप लोगों के नॉर्मल सी कन्वर्सेशन से ये इजीली हर कुछ सीख सकते हैं। बट अगर आप लोग लैब्राडोर को परचेज कर रहे हो ना, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लैब्राडोर गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आते, तो अगर आप लोग इनसे गार्ड डॉग्स ब्रीड वाली कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो वो चीज गलत होगी। वैसे एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो लैब्राडोर हैं, ये सिर्फ दो ही पपीज हैं और दोनों की दोनों फीमेल्स हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को इन पपीज के पेरेंट्स से मिलवा देता हूं। तो ये देखिएगा, इसे जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज के मदर और फादर हैं। भाई इनकी अलग से वीडियो आप लोग डॉग ओनर से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इन लैब्राडोर फीमेल पपीज को परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को बता दूं कि पपीज काफी एक्टिव हैं और ये 40 डेज से ऊपर हो चुके हैं और उन्होंने इनकी डिफॉर्मिंग भी कर रखी है, बट वैक्सीनेशन आप लोगों को खुद ही स्टार्ट करवानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ओनर की लोकेशन के बारे में, तो ओनर की जो लोकेशन है वो है सेक्टर 22 रोहिणी, दिल्ली NCR से, एंड डिलीवरी आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी। आप लोग कहीं पर भी इन पपीज को ऑर्डर कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो ओनर को विजिट करके भी इन पपीज को परचेज कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें, तो जैसे कि बता ही चुका हूं कि दोनों लैब्राडोर फीमेल पपीज हैं, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 5000 पीस, यानी सिर्फ 5000 रुपए। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप लोग इन दोनों को एक साथ परचेज करते हो ना, तो इसमें भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, दोनों ही आप लोगों को 9000 पीस यानी 9000 रुपए में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से एक फीमेल आप लोगों को 4500 पीस में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस है। बाकी थोड़ी बहुत कोशिश और भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से हमारी न्यू वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।